हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 16 सितंबर से आपके जीवन में क्या रहस्य उजागर होने वाला है, क्योंकि जो ग्रह स्थितियां बनने वाली हैं इसमें कुछ रहस्य है और इस रहस्य को हम समझेंगे। 16 सितंबर को परिवर्तन ग्रहों के राजा सूर्य का होगा और ये परिवर्तन बड़ा विशेष है, क्योंकि ये कन्या राशि में होने जा रहा है। इसके और भी कुछ कारण हैं, ये भी समझेंगे, ये भी समझेंगे कि आपको फल क्या मिलेगा और उपाय क्या करने हैं। प्रिय दर्शकों, 30 अक्टूबर 2023 लेके अभी तक केतु महाराज कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं, क्योंकि ये 18 महीने तक गोचर करते हैं। तो ये केतु और सूर्य का युति ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा, और परंतु यहां पर 23 सितंबर का जो समय है, 16 से लेकर 23 सितंबर, इसमें ग्रहण योग पूर्ण रूप से होगा। परंतु इसमें रहस्य ये है कि अब 23 सितंबर को स्वयं राशि के अधिपति बुध आ जाएंगे कन्या में ही, और ये आप बात नॉर्मली समझते ही हैं कि राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो कि ग्रह पति जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस ग्रह अधिपति के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा जब सूर्य और बुध होंगे एक साथ 23 तारीख से, तो केतु मजबूर होंगे बुध के अनुसार फल देने के लिए, इसी चीज का फायदा हम ले पाएंगे। और ग्रहण योग जो बनने जा रहा है वो उतना प्रभावी नहीं रह जाएगा जितना प्रभावी बुधादित्य योग होगा, क्योंकि खुद बुध की ही राशि में बुधादित्य योग बनने जा रहा है, ये बड़ी बात है। परंतु यहां पर समझने की बात यह है, ये जो योग बनने जा रहा है आपके अष्टम भाव में, त्रिक भाव में बनने जा रहा है, और सूर्य आपके सप्तमेश आपके दाम्पत्य जीवन के अधिपति होते हैं। परंतु बुध जो कि आपके लिए कारक ग्रह हैं उनका भी प्रभाव होगा अपना, तो क्या फल होगा ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है इस समय आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में अचानक बड़े बदलाव, अचानक सफलताएं, अचानक विफलताएं देखने को मिलेंगी, गुप्त धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, व्यापारियों को अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है, और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा कलह का माहौल भी देखने को मिलेगा। परंतु यहां पर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और जो लोग ऐसे क्षेत्र में हैं जहां से अचानक धन प्राप्ति किया जा सकता है, अचानक लाभ लिया जा सकता है, उनके लिए भी ये समय अचानक लाभ कराने वाला परंतु अचानक समस्याएं भी देने वाला होगा। इसलिए इस समय जो आप ऐसा कोई काम करते हैं जैसे शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीजों में, तो इन सब चीजों में बड़े सावधानी के साथ यदि आप आगे बढ़ें तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, परंतु नुकसान भी होने की उतनी ही बड़ी संभावना होगी। ये जरूर यहां पर देखा जा सकता है कि जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनके लिए अपने रिसर्च को पूरा करने का समय और उसका प्रभाव लेने का समय। प्रभाव लेने का समय का मतलब, जैसे कोई एक व्यक्ति है, अब हम समझें यदि बहुत सारे इसमें सूत्र बातें हैं, कोई भी एक साधारण व्यक्ति हो सकता है कि आपने सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, ठीक है,
आप रिसर्च कर रहे थे, कहां से करें, कैसे करें, क्या करें। तो ये जो समय है, इस समय इस टाइम कम भी ले पाएंगे और उसका प्रभाव भी दिखा पाएंगे। यानी कि अब दुनिया में आप देखेंगे ना, तो कुछ लोगों की गिनती होती है कि भाई ये इतने नंबर में, पैसे में, भारत में, या कोई जैसे अब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बहुत सारे शहर वहाँ पर, या आपके क्षेत्र में है ना। पहले वो लोग कहते ना, एक गांव का भाई बेघर है। तो एक व्यक्ति की पहचान होती है अलग अलग विषयों को लेके। तो यदि आपको कहा जाए कि भाई आपको धन को लेके आपका नाम होने वाला है या कोई रहस्य, ये समय स्थितियां बनेंगी। जिस भी विषय में आप सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उस विषय को आप प्राप्त भी कर पाएंगे और उसका प्रभाव दुनिया में दिखेगा। दुनिया का मतलब आपकी जितनी दुनिया है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग दुनिया होती है। किसी की दुनिया घर में ही होती है, कि घर के लोग उसकी दुनिया है। किसी के लिए एक मोहल्ला है, किसी के लिए एक प्रदेश है, किसी के लिए देश है, किसी के लिए पूरी दुनिया ही है। अब जैसे हम बात करें कि जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, है ना, तो इनके लिए पूरी दुनिया में इनका वर्चस्व है। तो इनका प्रभाव होगा, जो अच्छा बुरा जो भी कार्य करेंगे उसका जो प्रभाव दिखेगा इनके जीवन में, वो हर एक जगह दिखेगा। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बस घर में रहता है, अपने काम में जाता है, घर आता है, बस इतना ही है। तो उसका प्रभाव उसके काम में जहां जाता है और घर में, इतना ही दिखेगा। अब इसलिए मैंने कह दिया कि भाई फिर वो ना समझे कि अरे हम तो दुनिया में विख्यात हो गए। तो क्या हर व्यक्ति दुनिया में विख्यात होगा? संभव नहीं। तो जो भी आपका क्षेत्र है, जो भी आपका एक प्रभाव क्षेत्र है, उसमें आपका वर्चस्व बन सकता है। तो कुछ ये स्थितियां हैं। परंतु यहां पर यदि हम मोटे रूप से देखें तो घर परिवार में थोड़ा सा कलह का माहौल बनने की संभावनाएं, और आपके वाणी से कुछ लोगों का विरोध हो सकता है, और पैतृक संपत्ति से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो यदि मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है, ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। जो कि कुछ लाभ भी है परंतु थोड़ी संघर्ष भी है, इसलिए ध्यान में रखिए। और उपाय की बात की जाए तो एक तो आप सूर्य की आराधना करिए, और दूसरा काल भैरव की आराधना, या तो भगवान भोलेनाथ की आराधना, काल भैरव की कर सके तो ठीक, या तो फिर भोलेनाथ आराधना करिए, जिससे आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए और फिर निर्णय लीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय या काल भैरव की आराधना कर रहे हैं तो जय काल भैरव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।